वेलकम टू माय चैनल डीबी ब्यूटी पॉइंट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फेशियल जो समर में आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आपके फेस पर ग्लो नहीं है और आप डेड स्किन, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा परेशान हो और आपका कलर डाउन हो चुका है, जो आपका स्किन टोन है वो कहीं खोसा गया है, तो आपको जो मैं फेशियल बता रही हूँ उससे आपकी स्किन ब्राइट होगी, स्पॉटलेस बनाएगा और आपके पूरे फेस को डायमंड जैसा चमकाएगा। तो जो फेशियल हम करने वाले हैं वो कॉफी से करने वाले हैं। तो आपको पता है कॉफी क्या काम करती है? उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्या आप जानते हैं कॉफी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है? कॉफी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन को एजिंग की प्रॉब्लम से दूर करती है, और कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन में स्किन को यंग बनाती है और जो फाइन लाइन की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करती है, और जो हमारे फेस पर टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है उसको भी रिमूव करती है। कॉफी दरदरी होती है तो बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर माना जाता है, और जो हमारे डेड सेल्स हो गए हों उसको अच्छे से रिमूव करती है, और कॉफी हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है और शाइनी बनाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि फेशियल कैसे करना है। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस पर स्टीम लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसकी हेल्प से स्टीम ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो एक बाउल में गुनगुना पानी लेना है, उसमें एक रुमाल को डिप करना है और 5 मिनट तक अच्छे से स्टीम लेना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्सफोलिएटर। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर और 1 टेबल स्पून आलमंड ऑयल। तो जो शुगर पाउडर चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए, जो शुगर पाउडर है हमें वो दरदरा चाहिए, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा स्क्रब बनके रेडी है। तो स्क्रब को हम पूरे फेस पर लगाएंगे और हल्के हल्के हाथों से ही स्क्रब करेंगे, बहुत ज़्यादा घिसकर स्क्रब नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना है। तो इसमें हमने ऐड किया है बादाम का तेल, जो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विटामिन ई अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो एक इफ़ेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन के स्पॉट्स होते हैं उनको ख़त्म करता है। और कॉफ़ी तो अच्छा एक्सफोलिएटर है ही, और जो हमने इसमें शुगर पाउडर लिया है वो भी दरदरा लिया है, तो वो भी एक अच्छा एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, जो हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड, एक हेड की प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। और इसको 5 मिनट तक मसाज करके वॉश कर लेना है, इसके बाद आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है मसाज क्रीम। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल और 1 टेबल स पून हनी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मसाज क्रीम बनकर रेडी है। तो इसको सबसे पहले हम अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगाएंगे, पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे इस मसाज क्रीम को, और उसके बाद हम उससे मसाज करेंगे। तो बीच बीच में हम अपने हैंड को पानी में डिप करके मसाज करेंगे, क्योंकि जो हनी है उसकी वजह से हमारे हैंड अच्छे से मूव नहीं होंगे। तो हम पानी का यूज़ करेंगे तो जो हमारे हैंड है वो अच्छे से मूव होंगे, तो मसाज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फेस मसाज आपकी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे आपकी स्किन यंग और हेल्दी नज़र आती है। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन से स्किन ब्राइटन और इवन टोन करने में हेल्प करता है। और फेस और नेक पर आप अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करें। हमें 15 मिनट तक मसाज करना है। जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी, तो क्या आप जानते हैं कॉफ़ी हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है? कॉफ़ी में एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन को एजिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाते हैं और स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। कॉफ़ी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, जो हमारे स्किन को यंग दिखने में हेल्प करते हैं और जो फाइन लाइन की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करते हैं। 10 से 15 मिनट तक हमें मसाज करना है, उसके बाद हमें नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो लास्ट स्टेप है हमारा फेस पैक। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, 1 टेबल स्पून सैंडलवुड पाउडर और 1/2 लेमन जूस, और रोज़ वाटर इतना चाहिए जितना हमारा पैक अच्छे से बनकर रेडी हो जाए।
इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कम है तो मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर और ऐड किया, और ये अच्छे से हमारा पैक बनकर रेडी हो गया है। इस पैक को हम फेस पर और नेक पर अप्लाई करेंगे, और इसमें हमने लेमन ऐड किया है जो स्किन में ग्लो लाता है, चेहरे के रिंकल्स और सनटैन की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करता है। इसमें हमने चंदन पाउडर ऐड किया है जो प्रोटीन का कलेक्शन होता है, ये स्किन में ब्रेकआउट्स और एलर्जी को बचाता है, और ये स्किन के सॉफ्ट टिश्यू को लाकर पोर्स को टाइट करता है। इसी कारण फेस पैक में ये प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स के तौर पर चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम 10 से 15 मिनट तक लगाकर रखेंगे। जब ये पूरा सूख जाएगा तो हम इसको रोज़ वाटर की हेल्प से रिमूव करेंगे, और इसको हम फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आपको डैब डैब करके ही पोंछना है, और आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी शाइनी और स्मूथ नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे इंस्टेंट ग्लो आ गया है। मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप भी मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूलें। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।